हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, ऑलरेडी मैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 जर्नल वे प्रॉपर्टीज का 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। आज लेक्चर नंबर 5, चले बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। चलो बच्चों पढ़ते हैं आज प्रॉपर्टीज कौन कौन से वेव की। बच्चों हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, रिफ्लेक्शन है बच्चों, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन है। चले बच्चे सारे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, देखिए रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों। बच्चों आपकी बुक में जो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना डिस्क्राइब किया गया है बच्चों, वो है बेसिकली वाटर वेव्स का। वैसे तो बच्चों हमारे पास साउंड वेव्स का भी रिफ्लेक्शन होता है और हमारे पास लाइट वेव्स का भी रिफ्लेक्शन होता है। चलिए बच्चों आपको यहाँ समझाता हूँ, डायग्राम ड्रा करके समझाता हूँ बच्चों। देखिये हमारे पास ये हमारे पास कोई बैरियर है बच्चों। क्या है बच्चों? बैरियर है जहाँ वेव टकरा करके वापस जा रहे हैं बच्चों। ये बैरियर है बच्चों। बच्चों ये क्या है बच्चों? ये स्ट्रेट वेव जा रहे हैं बच्चों। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट वेव जा रहे हैं बच्चों। यहाँ जाकर टकरा करके ये वापस आ जाएंगे बच्चों। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों और यहाँ टकरा करके वेव क्या है बच्चों? वापस हो जाएंगे बच्चों। इस फेनोमेना का क्या कहा जाता है बच्चों? इस फेनोमेना का कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बच्चों। वेव जाए किसी सरफेस से टकरा करके वापस आ जाए, इसे कहा जाता है बच्चों क्या? रिफ्लेक्शन। देखिए बच्चों यहाँ मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। ये वेव है जो जाके टकरा रहा है, इसे कहा जाता है इंसिडेंट वेव। क्या बच्चों? इसे क्या कहा जाता है? इंसिडेंट वेव बच्चों। जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों, वापस आ रहा है बच्चों, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड वेव बच्चों। ये क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्टेड वेव है बच्चों। बच्चों ये जो वेव जा रहा है बच्चों, इसे कहा जाता है इंसिडेंट वेव, और जो वापस होकर आ रहा है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड वेव कहा जाता है बच्चों। बच्चों ये बच्चों हमारे पास जो बैरियर है ये स्ट्रेट है बच्चों। देखिए ये हमारे पास क्या है? ये बैरियर है। ये हमारे पास क्या है? वाटर वेव है बच्चों। ऐसे स्ट्रेट वाटर वेव आ रहे टकरा करके बच्चों वापस होके जा रहे हैं, टकरा के बच्चों वापस होंगे बच्चों। ये ऐसे जा रहे हैं और टकराने के बाद वापस जा रहे हैं बच्चों, इसे कहा जाता है बच्चों क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव कहा जाता है बच्चों। लेकिन ये बैरियर हमारे पास क्या है? स्ट्रेट है बच्चों। अगर हमारे पास ये बैरियर बच्चों कर्व्ड हो, किसी एंगल पे हो, फिर रिफ्लेक्शन का फेनोमेना कैसे होगा? देखिए बच्चों ये बैरियर मेरे पास पहले स्ट्रेट था बच्चों, अभी मैंने ऐसे कर्व्ड रखा है बच्चों। अगर कर्व्ड रखा है वेव ऐसे बच्चों आएंगे टकराने के बाद बच्चों वेव नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बच्चों। पहले ऐसे स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हो रहे थे बच्चों, अभी बच्चों क्या हो रहे हैं? वेव जैसे आ रहे यहाँ लग के बच्चों नीचे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बच्चों। अगर आप बैरियर को किसी एंगल पे रखोगे फिर रिफ्लेक्शन फेनोमेना कैसे होगा बच्चों? यहाँ मैं डायग्राम ड्रा करके आप समझाता हूँ। चले बच्चों इसको मिटाते हैं ताकि जो हम रिफ्लेक्शन का फेनोमेना सही तरीके से समझ सके बच्चों। देखिए बच्चों मेरे पास क्या है? बैरियर है बच्चों। ये क्या है बच्चों? वही बैरियर जो पहले मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है बच्चों। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास एक बैरियर है बच्चों। ओके बच्चों, ये क्या आ रहा है बच्चों? ये वाटर वेव्स आ रहे हैं बच्चों। देख रहे हैं बच्चों आप, ये सारे क्या है? वाटर वेव्स है बच्चों। और जैसे जाके यहाँ टकराएंगे तो क्या होगा बच्चों? वेव ऐसे आ रहे थे बच्चों, टकराने के बाद वेव ऐसे डाउनवर्ड सीधे आएंगे बच्चों। ऐसे आ रहे थे और टकराने के बाद जो है कैसे आएंगे? डाउनवर्ड। ऐसे आ रहे थे जो टकराने के बाद डाउनवर्ड बच्चों। जो ये आ रहे हैं इनको कहा जाता है इंसिडेंट वेव्स बच्चों। जो ये वेव्स है इनको क्या कहा जाता है बच्चों? ऑलरेडी मैंने लिखा है बच्चों ऊपर, इंसिडेंट वेव्स कहा जाता है इनको बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? इंसिडेंट वेव्स। जो नीचे आ रहे हैं क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड वेव। क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड वेव्स बच्चों। ये हमारे पास हो गया इंसिडेंट वेव्स, ये क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्टेड वेव। जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हो तो वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और भी होना चाहिए बच्चों। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? चलिए बच्चों समझाता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, जब हमारे पास बच्चों लाइट किसी भी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाए तो वहां क्या हो बच्चों? बच्चों देखिए सपोज करिए हमारे पास कोई मीडियम है बच्चों। ये बच्चों मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रा किया बच्चों। ये वेव्स है जो कि यहाँ आके टकरा रहा है बच्चों, फिर वापस ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है बच्चों। यहाँ बच्चों वेव ऐसे नीचे आ रहा था, टकराने के बाद बच्चों रिफ्लेक्ट होके जा रहा है बच्चों। और जो वेव आ रहा है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? इंसिडेंट वेव्स। और जो वेव रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? रिफ्लेक्टेड वेव्स कहा जाता है बच्चों। बस जो इंसिडेंट वेव है बच्चों वो जो एंगल बनाएगा उसे मैं आई से नोट करता हूँ। कैसे बच्चों? उस एंगल को मैं आई से लिखता हूँ। जो एंगल बच्चों ये बनाएगा रिफ्लेक्टेड उसे मैं आर से शो करता हूँ। बच्चों जो एंगल इंसिडेंट वेव्स बनाएगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड बनाएगा, याद रखना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कह रहा है कि जो एंगल इंसिडेंट वेव बनाएगा वही क्या बनाएगा? रिफ्लेक्टेड बनाएगा बच्चों। अगर हमारे पास इंसिडेंट वेव 30 का एंगल बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड भी 30 का बनाएगा।
इंसिडेंट 45 बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड 45 क्या बनाएगा बच्चों, मतलब बच्चों ये क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ क्या करें बच्चों, अगर मैं यहाँ आपको ड्रा करके बताऊं बच्चों, सपोज ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है बच्चों, ये हमारे पास क्या नॉर्मल लाइन है, ये क्या बच्चों नॉर्मल लाइन है बच्चों। अगर मैं यहाँ एंगल ड्रा करके बताऊं आपको तो क्या होगा बच्चों, देखिए बच्चों ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है, इसलिए मैं आई से लिखता हूँ बच्चों, ये क्या है रिफ्लेक्टेड है, इससे आर से लिखता हूँ, ये इंसिडेंट बच्चों आई, ये रिफ्लेक्टेड आर, ये इंसिडेंट आई, ये रिफ्लेक्टेड आर बच्चों। पर जो एंगल इंसिडेंट बना रहा है वही कौन बना रहा है, रिफ्लेक्टेड। जो एंगल इंसिडेंट बना रहा है बच्चों वही कौन बना रहा है, रिफ्लेक्टेड बना रहा है बच्चों। और जैसे फेनोमेना क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव बच्चों। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया जो मैं आपको एग्जांपल देके समझाया बच्चों। देखिए बच्चों आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बच्चों। किसी भी कोई वेव किसी सरफेस जाके टकरा करके वापस उसी मीडियम में आए उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। देखिए अगर मेरा बाल है, बाल को बच्चों जोर से दीवार से मारता हूँ बच्चों वो वापस होके आएगा, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन। इस तरीके से बच्चों साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, सब में क्या होता है बच्चों, इन सब में बच्चों फेनोमेना होता है बच्चों रिफ्लेक्शन का बच्चों। देखिए बच्चों अगर आपने नोट किया होगा, आप किसी बड़े हाल में कह रहे हो बच्चों, आप जोर से कह रहे हो हेलो बच्चों, दोस्त हेलो कह रहे हो बच्चों, थोड़ी देर के बाद वही आवाज आप दोबारा सुनोगी बच्चों, क्योंकि वही जाके किसी जगह पर टकरा करके आवाज लौट के वापस आ रहा है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, रिफ्लेक्शन कहा जाता है बच्चों। मेरे ख्याल में आपको रिफ्लेक्शन का जो सारा फेनोमेना है वो क्लियर हुआ होगा। अगर रिफ्लेक्शन क्लियर है चले बच्चों पढ़ते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन का फेनोमेना क्या होता है। बच्चों रिफ्लेक्शन आपको मैं इसका समझा गया, चलो हम समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों। देखिए बच्चों रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बच्चों। देखिए बच्चों रिफ्लेक्शन का मतलब ये है जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम एंटर हो जाए और उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए, इसको कहा जाता है बच्चों क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या है बच्चों रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस, इट्स वेव फ्रंट चेंजेस, इट्स फेज चेंजेस इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन ऑफ वेव। जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम में एंटर हो जाए और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, इस फेनोमेना को बच्चों कहा जाता है रिफ्रेक्शन ऑफ वेव। कैसे बच्चों देखिए एग्जांपल एक समझाता हूँ बच्चों, सपोज करिए मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास कोई मीडियम बच्चों, सपोज करिए मुझे हमारे पास क्या ग्लास है, मीडियम है बच्चों बच्चों, मैं यहाँ ड्रा करके बता रहा हूँ आपको, ये क्या हमारे पास बच्चों, ये मीडियम है बच्चों, ये ईयर मीडियम है, ये भी क्या है ईयर है बच्चों। देखिए बच्चों अगर ये सपोज कर ये हमारे पास कोई ग्लास मीडियम है, ये ईयर है बच्चों, नीचे क्या है बच्चों ईयर है बच्चों, लाइट यहाँ से आ रहा है इस मीडियम से क्रॉस करके नीचे जाएगा बच्चों, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो रहा है तो फिर क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज होगा। देखिए मुझे मैं यहाँ ड्रा करके बता रहा हूँ बच्चों, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर लाइन या जिसे नॉर्मल कहा जाता है बच्चों। देखिए मुझे लाइट वेव ऐसे आ रहा था, ओके बच्चों बच्चों अभी इस वेव को ऐसे आगे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये ऐसे आएगा, क्या होगा बच्चों डायरेक्शन क्या होना चाहिए था बच्चों, इस डायरेक्शन आ रहा था और सीधे स्ट्रेट आगे जाना चाहिए था वेव को बच्चों, लेकिन आगे नहीं गया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों चेंज हो गया। जब भी बच्चों डायरेक्शन कोई भी ऐसा हमारे पास वेव है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए और उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए, उसकी फेज में चेंज आ जाए, उसकी वेव फ्रंट में चेंज आ जाए, उसको बच्चों कहा जाता है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। बच्चों आप देख रहे हैं ये एयर मीडियम है, ये भी ये है, लेकिन ये ग्लास मीडियम है तो यहां से एंटर हो गया बच्चों, फिर यहाँ आ गया, इसने डायरेक्शन क्या किया बच्चों, अपने डायरेक्शन इसने चेंज किया, जब डायरेक्शन चेंज होगा उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। चले बच्चों आपको यहाँ बुक में जो डेफिनेशन गिवन है वो ये है बच्चों, हमारे पास जो ये डीप वाटर है ये शेलो वाटर है बच्चों, और जब वेव बच्चों जब डीप वाटर से शेलो वाटर की तरफ जो ट्रेवल कर रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो डायरेक्शन इस तरफ है बच्चों, जब शेलो में एंटर हो रहा है डायरेक्शन बच्चों डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मतलब वेव का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब भी बच्चों वेव का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उस फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। बच्चे देख रहे हैं डीप वाटर में बच्चे ये है और शेलो वाटर में ये है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए उसे कहा जाता है क्या, इसलिए बच्चों कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। चलिए हम पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, When a wave enters from a region of deep water to a region of shallow water at an angle, the wave will change its direction.
जब जो क्या है हमारे पास वेव किसी डीप वाटर रीजन से किसी शेलो वाटर रीजन में एंटर हो जाए तो उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, उसका डायरेक्शन चेंज होगा बच्चों। इस फेनोमेना को बच्चों कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। लेकिन बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, वेव्स ट्रेवल फास्टर इन डीप वाटर देन इन शेलो वाटर। पर जो हमारे पास वेव है वो हमारे पास जो मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको कि जो पहले लेक्चर था उसमें जो आपको समझाया था कि जो वाटर वेव का जो स्पीड है बच्चों वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। इसलिए बच्चों यहाँ जो वेव का स्पीड है वो डीप वाटर में ज्यादा है और शेलो वाटर में कम है। देखें बच्चों यहाँ स्पीड से ज्यादा होगा यहाँ कम होगा, क्योंकि बच्चों हमारे पास डीप वाटर में जो पानी की मालिक्यूल्स हैं वो ज्यादा है, अगर पानी की मालिक्यूल ज्यादा है वाइब्रेशन ज्यादा होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा बच्चों ज्यादा हमारे पास क्या होगा उसकी स्पीड बढ़ेगा बच्चों। लेकिन शेलो वाटर में मालिक्यूल आपस में दूर 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 है बच्चों, तो इसलिए बच्चों क्या होगा यहाँ पे बच्चों हमारे पास बच्चों स्पीड कम होगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ स्पीड ज्यादा और यहाँ स्पीड कम, लेकिन बच्चों जिससे स्पीड भी कम हो रहा है इस तरीके से इसका वेवलेंथ बच्चों जो होगा वो भी कम होगा बच्चों। यहाँ वेवलेंथ बच्चों इसका वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा, लेकिन बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सेम रहेगा। देयर विल बी नो चेंज ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इट्स डायरेक्शन विल चेंज, इट्स वेलोसिटी विल चेंज एंड इट्स बच्चों वेवलेंथ विल चेंज। बच्चों क्या वेवलेंथ चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा और स्पीड चेंज होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा बच्चों। बच्चों मेरे ख्याल में आपको रिफ्रैक्शन का फेनोमेना क्लियर हो गया बच्चों। रिफ्रैक्शन बच्चों क्या होता है बच्चों, मैंने समझाया था बच्चों रिफ्रैक्शन ये है जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए तो और बच्चों क्या हो जाए उसका डायरेक्शन चेंज आ जाए उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। चले बच्चों समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए कुछ पढ़ते हैं डायफ्रेक्शन ऑफ वेव क्या होता है। डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन ऑफ वेव। बच्चों क्या है डायफ्रेक्शन ऑफ वेव बच्चों, क्या लिखा हुआ है स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टिकल, कोई भी ऑब्स्टिकल है उसकी जो करीब क्या हो वेव्स जो है वो स्प्रेड हो जाए उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों डायफ्रेक्शन ऑफ वेव। देखिए बच्चों हमारे पास ये देखो ऑब्स्टिकल है, ये दूसरा ऑब्स्टिकल है बच्चों, बीच में क्या है छोटा सा गैप है बच्चों। बच्चों ये वाटर वेव सीधे से स्ट्रेट जा रहे हैं बच्चों, जैसे बच्चों वाटर वेव यहाँ आएंगे और यहाँ क्रॉस करेंगे बच्चों तो ऐसे सर्कुलर वेव्स बन रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों ये क्या बन रहे हैं, सर्कुलर वेव्स बन रहे हैं बच्चों और ये स्प्रेड होते जा रहे हैं बच्चों। ये देखो छोटा वेव है फिर ये बड़ा वेव, जैसे वेव्स बढ़ते जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है बच्चों स्प्रेडिंग हो रहा है बच्चों। ये गैप है जैसे निकल रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है स्प्रेडिंग ऑफ वेव हो रहा है बच्चों। डायफ्रेक्शन का मतलब यही है कि जब कोई ऑब्स्टिकल है उससे वेव जैसे निकलेंगे तो क्या हो वो स्प्रेड हो जाएंगे। इस फेनोमेना को बच्चों कहा जाता है क्या डायफ्रेक्शन ऑफ वेव। मैंने जितना ये ऑब्स्टिकल के बीच में गैप छोटा होगा बच्चों, देखिए मैं यहाँ ड्रा करता हूँ बच्चों, ये हमारे पास क्या है बच्चों आप देख रहे हैं ये एक ऑब्स्टिकल है ये दूसरा ऑब्स्टिकल है बच्चों। ये हमारे पास सीधे से वाटर वेव्स आ रहे हैं बच्चों, ये वाटर वेव्स ऐसे जा रहे हैं बच्चों, यहाँ क्रॉस करके बच्चों कैसे बनेंगे बच्चों, ऐसे सर्कुलर वेव्स बनेंगे बच्चों। ये सर्कुलर वेव्स बन रहे हैं, ये जो ऑब्स्टिकल जैसे वेव्स क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ स्प्रेडिंग हो रहा है, इस फेनोमेना को कहा जाता है बच्चों डायफ्रेक्शन ऑफ द वेव्स। देखिए बच्चों अगर बच्चों ये गैप बड़ा होगा तो बच्चों फिर क्या होगा जो डायफ्रेक्शन का फेनोमेना है वो इतना क्लियर नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए बच्चों आप यहाँ गैप ज्यादा है इसलिए यहाँ कौन से वेव्स बन रहे हैं बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट बन रहे हैं। याद रखना बच्चों जितना भी ये गैप छोटा होगा, सपोज जितना बच्चों गैप छोटा होगा उतनी बच्चों क्या बनेंगे सर्कुलर वेव्स बनेंगे और डायफ्रेक्शन क्या होगा बच्चों सिग्निफिकेंट हो जाएगा बच्चों। जो डायफ्रेक्शन करने के लिए एक चीज जरूरी है, जितना ये गैप इतना छोटा होना चाहिए जितना वेव का वेवलेंथ है बच्चों। अगर बच्चों ये गैप वेव की वेवलेंथ की बराबर हो जाएगा तो डायफ्रेक्शन का फेनोमेना बच्चों मोर सिग्निफिकेंट होगा बच्चों, मोर क्लियर होगा बच्चों। ये क्या है, ये डायफ्रेक्शन है बच्चों। किसी भी कॉर्नर से किसी भी बच्चों ऑब्स्टिकल की अराउंड अगर वेव स्प्रेड हो जाए इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है बच्चों, इस फेनोमेना को कहा जाता है बच्चों डायफ्रेक्शन ऑफ द वेव्स। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ समझाऊं बच्चों आपको बच्चों क्या है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास बच्चों मैं यहाँ ड्रा करके समझाता हूँ बच्चों। ये हमारे पास कोई भी सपोज करें बच्चों ये वाल है, क्या है बच्चों वाल दीवार बच्चों। यहाँ मेरे पास क्या है ये छोटा सा ये ऑब्स्टिकल बच्चों, ये गैप है बच्चों बच्चों। यहाँ ऐसे लाइट क्रॉस कर रही है या वाटर वेव्स क्रॉस कर रहे हैं बच्चों, जैसे क्रॉस करें सपोज करें मुझे लाइट क्रॉस कर रही है बच्चों, क्या है बच्चों हमारे पास क्या क्रॉस कर रही है बच्चों, एक मिनट डस्टर उठाकर साफ करता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ लाइट है, जैसे लाइट यहाँ क्रॉस करेगी तो क्या यहाँ इतनी ही लाइट बनेगा या ज्यादा बनेगा बच्चों, यहाँ जो इमेज बनेगा इस जो गैप का यहाँ क्या इतना ही बनेगा इससे ज्यादा बनेगा बच्चों। ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा ये ज्यादा बनेगा, इसका मतलब क्यों बच्चों,
जितना ये था इतना बनना चाहिए था, ज्यादा क्यों मर रहा है? इसका मतलब बच्चों जो लाइट है वो आगे जाके स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है बच्चों। जब बच्चों लाइट का किसी भी गैप से निकल कर किसी जगह पे स्प्रेड हो जाए, फैल जाए बच्चों और उसका बड़ा रीजन से शेडो बने बच्चों, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है बच्चों डायफ्रेक्शन अवेव। तो जब सूरज ग्रुप हो जाता है बच्चों, उस टाइम भी हमें डायफ्रेक्शन का फेनोमेना दिखाई देता है बच्चों। मेरे ख्याल में बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ आ गए होंगे कि डायफ्रेक्शन क्या है बच्चों। आज ये लेक्चर में हमने कवर किया बच्चों कि डायफ्रेक्शन क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर बच्चों हमने कहा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, डायफ्रेक्शन क्या होता है बच्चों, ये सारे जो प्रॉपर्टीज थे की आज इस लेक्चर में हमने कवर किया बच्चों। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा बच्चों। देखिए बच्चों जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव पढ़ेंगे बच्चों। इसमें पढ़ेंगे टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है और वेवलेंथ क्या है बच्चों। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वेव की इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझा गया। चले बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों।